हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ WPS कैसे बनाते हैं और उसको कैसे फिल करते हैं। WPS जहाँ पे हैवी फैब्रिकेशन होता है, वहाँ वेल्डिंग प्रोसेस को क्वालिफाई करने के लिए जो मेथड होता है उसे बोलते हैं WPS। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू फिल WPS। सबसे पहले कंपनी का नाम एंड बाय हु मेड बाय टीम का नाम आ जाएगा। WPS नंबर, WPS का नंबर क्या है, 01 है, 02 है, डेट किस दिन बना है ये, WPS रिव्यू नंबर एंड रिव्यू डेट, सपोर्टिंग PQR नंबर। जो WPS को बनाने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो होता है PQR। उसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, सो प्लीज़ वॉच माई PQR वीडियो। वेल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस का नाम लिख लेना है, जैसे मैनुअल टिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है। यहाँ पे टाइप लिखना है मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, रोबोटिक। यहाँ जॉइंट की डिटेल लिखनी है, जॉइंट की डिटेल की आप फोटो भी लगा सकते हो। यहाँ पे जॉइंट का टाइप लिखना है, कहो फिलेट बट जॉइंट है, लैप जॉइंट है। एंड यहाँ पे आपका बैकिंग, बैकिंग का मतलब होता है यूज्ड फॉर सपोर्टिंग मोल्टन मेटल। बैकिंग जो है एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो कि हम वेल्डिंग करते समय मोल्टन मेटल को सपोर्ट करता है फॉर कंप्लीट वेल्डिंग प्रोसेस एंड कंप्लीट पेनिट्रेशन एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड। एंड गेजिंग मटेरियल, बैकिंग मटेरियल टाइप, बेकिंग मटेरियल टाइप का जो मटेरियल, जो बेकिंग मटेरियल होता है दैट इज़ ए सपोर्टेड मटेरियल, वो बना होता है कॉपर का और सीरामिक का। फ्रेंड्स, ये कॉपर और सीरामिक का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसको कॉपर और सीरामिक का मटेरियल का प्रीफर करते हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल होता है तो बेस मेटल जो हमारा होता है, जिसके जो वेल्डिंग करने के लिए बेस मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, उसके कैटेगरी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रूव एंगल, ग्रूव एंगल का मीन्स हम यहाँ पे ग्रूव जिन दो वेल्ड मेटल को जो हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं उनके उनके बीच का एंगल क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, इस पॉइंट के बीच में ग्रूव एंगल, मान लो ये 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। रूट ओपनिंग रेडियस, रूट ओपनिंग रेडियस मीन्स यू और जे और एनी काइंड और भी किसी तरीके का हो सकता है। जैसे यहाँ पर यू टाइप का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज़ अ रूट ओपनिंग रेडियस। रूट फेस, रूट फेस का मतलब होता है जो हम वेल्डिंग जिन पार्टों की जो वेल्डिंग कर रहे हैं उनका जो है रूट फेस की उसकी जो विड्थ कितनी है। विड्थ जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, बेस से लेकर के इस पॉइंट तक और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के ऊपर वाले पॉइंट तक, यानी 2.5 mm, तो रूट फेस हो गया 2.5 mm। फॉर एग्जाम्पल बैकिंग गेज येस और बैकिंग बैक गेजिंग येस और नो। बैक गेजिंग का मतलब होता है कि आपको बैक गेजिंग वहाँ पर करनी है या नहीं करनी। जैसे मैंने बताया था बैक गेजिंग के लिए हमें जो अलग से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और बैक गेजिंग का मतलब होता है कि हम जो है वेल्डिंग करते समय हमें पीछे वेल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में से एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल को हटाया जाता है ताकि वहाँ पे हम पूरी ये देख सकें कि कंप्लीट फ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ मटेरियल का, या कंप्लीट पेनिट्रेशन मेटल्स में हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो बैक गेजिंग मेथड है ये रिक्वायरमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वहीं पर रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे हमको डाउट होता है कि बैक साइड तक कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, देन हम उसको साफ करके देखते हैं कि वो बैक साइड तक पेनिट्रेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देन फ्रेंड्स बेस मेटल, बेस मेटल का यहाँ पर नाम डाल देंगे, ग्रुप नंबर डाल देंगे, जैसे PSF एज पर ASME होता है अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये इनके अकॉर्डिंग जो बेस मेटल्स की कैटेगरीज को वेल्डिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, PS and F, ये दीज आर ये नंबर्स हैं इन ग्रुप्स के। PS and F ये आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस है या वेल्डिंग प्रोसेस का जो मेटल है वो किस कैटेगरी में आता है वहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट रीड करने के लिए हमें ASME के स्टैंडर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन टाइप एंड ग्रेड, अब जो है जो बेस मेटल यूज़ कर रहे हो वो वेल्डिंग करने के लिए उसके यहाँ पर ग्रेड भी लिखना है आपको और टाइप भी लिखना है। थिकनेस रेंज,
मतलब जिस जिस वेल्डिंग को जिस जिन पार्टों को आप वेल्डिंग कर रहे हो उनकी थिकनेस की रेंज क्या है। अब ग्रूव का नाम डालना है, फिर कौन सा ग्रूव आप यूज़ कर रहे हो, डिपोजिटेड मेटल का भी बताना है, और पाइप डायर रेंज मींस ये ASME का स्टैंडर्ड जब हम पढ़ेंगे जिनको हम P कैटेगरी में, S कैटेगरी में, F कैटेगरी में क्या क्या पाइप डायर की रेंज दी हुई है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डाल देंगे। फिलर मेटल्स में हम आपको नंबर डालना है कौन से फिलर मेटल्स का F नंबर यूज़ कर रहे हैं। AWS क्लासिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल के फिलर मेटल हम यूज़ कर रहे हैं E7018। यहाँ पे एज पर AWS E का मतलब है E स्टैंड फॉर फिलर मेटल इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ का जो फिलर मेटल हम यूज़ कर रहे हैं वो एज ए इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो 70 का मतलब है, 70 का स्टैंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड 1, ये जो 1 है इस 1 का मतलब है सोज वेल्डिंग पोजीशन, एंड 8 का मतलब है कोटिंग ऑन प्रोडक्ट के हम जो है जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग हो रखी है। वेल्ड मेटल एनालिसिस नंबर ये यहाँ पर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिलर मेटल का साइज, जो हम फिलर मेटल यूज़ कर रहे हैं उसका साइज डाल सकते हो, स्पेसिफिकेशन डाया वगैरह कितना है। इलेक्ट्रोड फिलक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी नाम यहाँ पर ग्रेड डाल सकते हैं। ट्रेड नंबर मतलब जो फ्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एजेंशियल है या नॉन एजेंशियल है, अगर नॉन एजेंशियल है तो खाली छोड़ देंगे, एजेंशियल तो यहाँ पर नाम डाल देंगे उसका। कंज्यूमेबल इंसर्ट, अदर से कोई कुछ हम कंज्यूमेबल इंसर्ट्स यूज़ कर रहे हैं देन उसका भी यहाँ पर नाम डाल देंगे, अदरवाइज इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंज्यूमेबल इंसर्ट की। ये कंटिन्यू करते हुए सेकंड पेज पर आते हैं हम, सेम वही पोजीशन ऑफ ग्रूव, वेल्ड प्रोग्रेशन एंड पोजीशन ऑफ फिलेट, ये पूरा वाला ही डाल देंगे जैसे हमने पहले पेज में डाला है। ये प्री हीट का मतलब है वेल्डिंग करने से पहले अगर आपको अपने पार्ट्स को कुछ टेम्परेचर पर वेल्डिंग करना है ताकि वेल्डिंग की जो क्वालिटी है वो ठीक तरह से आए, पेनिट्रेशन ठीक हो, तो वहाँ पर आप डाल सकते हो प्री हीट टेम्परेचर मिनिमम कितना चाहिए, प्री हीट टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम तक कितना आपको वहाँ पर हीट करना है अपने वेल्डिंग वाले पार्ट को। प्री हीट मेंटेनेंस में प्री हीट से पहले आपको अपने पार्ट को क्या क्या करना है, उसको साफ करना है, क्लीनिंग कैसे किस तरीके से करनी है। कंटिन्यूस और स्पेशल हीटिंग और मेंटेनेंस, आपको जो है कुछ स्पेशल हीटिंग करनी है या नॉर्मल हीटिंग करनी है, आप उसको वहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे इफ़ रिक्वायर्ड और ज़रूरत है तो। पोस्टेड हीट ट्रीटमेंट मतलब यह है कि जो है जो हम पार्ट को जब हीट कर देते हैं तो उसके बाद हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, टेम्परेचर एंड टाइम, मतलब आपको कितने टाइम तक के लिए आपको हीट करना है। पोस्टेड हीट ट्रीटमेंट हमको जो है कितने टेम्परेचर पर कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। शील्डिंग में का मतलब है हम जो है अपने वेल्डिंग एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ कर रहे हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, गैस का फ्लोरेट क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डाल देंगे। फ्लक्स यूज़ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस फ्लक्स के ट्रेड का नाम डाल देंगे। करंट एंड पोलैरिटी, हम जो है रिवर्स पोलैरिटी कर रहे हैं क्या जो है स्ट्रेट पोलैरिटी कर रहे हैं, इसका हम नाम डाल देंगे। करंट वोल्टेज की रेंज डाल देंगे, कितना करंट कितना वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं। वायर फीड स्पीड भी यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल देंगे कितनी फीड रेट हम रख रहे हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड साइज एंड टाइप, अगर हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड टेक वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर टाइप एंड साइज भी डाल देंगे। एंड पल्सिंग पैरामीटर, अगर हम पल्सिंग की रिक्वायरमेंट है, पल्सिंग हम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पैरामीटर हम उसके पल्सिंग के पैरामीटर भी डालेंगे। अदर वेरिएबल में का मतलब आपको उसका नोजल कैसा आप यूज़ कर रहे हो, कॉलेट आप किस तरीके का यूज़ कर रहे हो, गैस लेंसेस अगर यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से यूज़ कौन सा ज़रूरत है कि नहीं है तो आप टिक कर दोगे, नहीं है तो नहीं करना है। क्लीनिंग मेथड कैसे आप यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग कैसे कर रहे हो आप वेल्डिंग वाले पार्ट्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने यूज़ हो रहे हैं, अदर में कुछ आपको लिखना है तो वहाँ लिख सकते हो। अब आते हैं वेल्डिंग पैरामीटर्स पर, वेल्डिंग पैरामीटर्स में आप लेयर, मल्टी लेयर है, सिंगल लेयर यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस क्या है उसका। फिलर मेटल में का क्लासिफिकेशन डाल देना है, डायमीटर कितना है वो डाल देना है, पोलैरिटी क्या यूज़ कर रहे हैं डोरी वेल्डिंग वो डाल देना है, करंट की रेंज क्या है, वोल्टेज रेंज क्या है, ट्रेवल स्पीड क्या है, कितनी रेंज कर रहे हो, कितनी रख रहे हो, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग
स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये था, जब हम WPS भरते हैं तो हमको फाइनली जो पैरामीटर जो ऑब्टेन होते हैं एज पर वेल्डिंग क्वालिटी, हम उसको फाइनली अपने प्रोसेस को फिक्स करके देन वी विल यूजिंग द वेल्डिंग प्रोसेस पैरामीटर अकॉर्डिंग टू WPS। फ्रेंड्स अगर आपको WPS को क्लियरली और समझना है तो आप ASME के स्टैंडर्ड को रेफ़र करें, और मेरी अगली वीडियो जो आ रही है PQR के लिए उसको भी आप ज़रूर देखें, ताकि WPS आपको कैसे भरना है पूरी तरह से समझ आ जाए। थैंक यू।